प्रणाम मित्रों, द डिवाइन टेल्स में पधारने पर आपका धन्यवाद। युगों के विशाल चक्र में चार युग सम्मिलित हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। इन युगों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है, क्योंकि यही समय है जब हम चारों युगों की विशेषताओं, जो मुख्यतः केवल तीन युगों में ही थी, और कलयुग की अयोग्यताओं, अवगुणों तथा असमर्थता को जानकर स्वयं में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है चार युगों का वर्णन। पहले हम चर्चा करेंगे चारों युगों की अवधि की। सतयुग की अवधि 17,28,000 साल, त्रेता युग की अवधि 12,96,000 साल, द्वापर युग की अवधि 8,64,000 साल, कलयुग की अवधि 4,32,000 साल। तो चारों युगों की कुल अवधि 43,20,000 वर्ष है। अब बात करते हैं विभिन्न युगों में मनुष्य की आयु। चारों युगों में मनुष्य की आयु में 10,000 वर्ष का अंतर है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तथा कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष ही रह गई है। उदाहरणतया द्वापर युग में महाभारत के समय भीष्म पितामह की आयु 350 वर्ष थी। भगवान कृष्ण ने भी पृथ्वी पर 125 वर्ष तक लीलाएं की। यदि त्रेता युग पर दृष्टि डाली जाए तो भगवान राम ने 10,000 से भी अधिक वर्ष तक राज किया, जिसमें हम केवल उनके वनवास अर्थात 14 वर्ष की लीलाओं के विषय में ही जानते हैं। आयु के समान ही अलग अलग युगों में मनुष्य के कद में भी अंतर है। अब बात करेंगे कि विभिन्न युगों के लोग किस प्रकार भगवान का स्मरण करते थे। सतयुग में भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। सतयुग के लोग अपने जीवन को भगवान विष्णु के ध्यान में समर्पित कर देते थे। त्रेता युग अर्थात राम राज्य में यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की साधना की जाती थी। द्वापर युग में विग्रह अर्थात मूर्ति पूजा को प्रमाणित माना गया। आज भी द्वापर युग की विग्रह पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आज से 5,000 से 6,000 वर्ष प्राचीन मंदिरों में सोना, आभूषण इत्यादि पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि द्वापर युग में लोग भगवान को सोना, चांदी, आभूषण इत्यादि अर्पित करते थे। परंतु कलयुग में भगवान को कैसे स्मरण किया जाए, यह जानना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग में ध्यान लगाना असंभव है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और ध्यान के समय अनेकों बातों और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यज्ञ करना भी हमारे लिए असंभव है, क्योंकि शुद्ध अग्नि, शुद्ध ब्राह्मण तथा शुद्ध सामग्री कुछ भी उपलब्ध नहीं है। द्वापर युग में रत्नों से विग्रह पूजा की जाती थी और कलयुग में ऐसा करना भी असंभव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है हरिनाम कीर्तन। मात्र हरिनाम भजन से ही हम कलयुग में स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। इसी प्रकार चारों युगों में भगवान ने भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिया है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उल्लेखनीय है कि सतयुग में भगवान चतुर्बाहु सफेद रंग के अवतार में होते हैं, इसलिए सतयुग में भगवान हंसा अवतार लेकर आए। इसके अतिरिक्त अयुक्त अवतार, पुरुष अवतार आदि सतयुग में भगवान के अवतार थे, जो श्वेत रंग में अवतरित हुए। भागवतम के इसी अध्याय में बताया गया है कि त्रेता युग में भगवान रक्त रंग अर्थात लाल रंग धारण किए हुए होते हैं। भगवान विष्णु के इस अवतार को युग अवतारी कहते हैं। त्रेता युग में भगवान यज्ञ अवतार लेते हैं, इसीलिए त्रेता युग में यज्ञ की पूजा की जाती थी, क्योंकि भगवान इस युग में यज्ञ रूप में विद्यमान थे। द्वापर युग में भगवान श्याम रंग में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण के अवतरण के समय वो शंख, चक्र, गदा और कमल के साथ पीले रंग के वस्त्रों में प्रकट हुए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कलयुग में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। कलयुग के विषय में उल्लेखनीय है कि भगवान पीले रंग में अवतरित होंगे अर्थात चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वर्ण अर्थात पीले रंग में मायापुर में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग भी कहा जाता है। उनके साथ बलराम नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों, ये थी चारों युगों की विशेषताएं। आशा है आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो से प्राप्त हुए। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हरे कृष्णा।